पहला सवाल ये है कि आप महिला की सुरक्षा के लिए, आपको यदि मतलब चांस दिया जाए तो आप उसके लिए क्या करेंगे? महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं जगह जगह स्प्रेड करूंगी कि वो किस जी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, मतलब थ्रू सोशल जी मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल उधर से बिल्कुल भी मैम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है और दूर कराटे से भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है। तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स किसी जूडो टीचर से इसको सिखाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, मैं आपके आंसर से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। दूसरा क्वेश्चन है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आप किसे देंगी? मतलब कोई ऑप्शन है क्या इसे देंगे? नहीं नहीं कोई नहीं, आप जिसे जिसे अपना आइडियल मानती हो। ठीक है, वैसे तो मैं आइडल, मेरे दो हैं, दोनों को समान तरीके, मेरी माँ और मेरे पति, मैं दोनों को अच्छा ही अपना आइडियल मानती हूँ और दोनों से ही मेरा मतलब आई शेयर एवरीथिंग टू देम। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, आप इन दोनों में सबसे ज्यादा किसे वो करती हैं? यदि दोनों में किसी एक को चूज करना रहे तो आप किसे करेंगी? बहुत सही कि मेरी मेरे ख्याल से तो एक माँ से लड़की के हमेशा मुझे लिए, प्रेरणा मिली है, हाँ माँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक मेरी है, माँ से प्रेम, हाँ मेरी माँ और से लाइफ मुझे में हस्बैंड, प्रेरणा मिली है। हाँ, तो मेरे ख्याल से शादी के कंपैरिजन नहीं किया बाद जा सकता है मैम, दोनों हस्बैंड, में कंपैरिजन नहीं कर हाँ सकते हैं, इसलिए वही, हाँ, क्योंकि हाँ दोनों को हम शादी उतना के ही बाद प्यार मेरे करते हस्बैंड हैं। भी मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हाँ वही कह रहा है, मेरे पास ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन था। तीन क्वेश्चन हो गया मेरे वैसे मैं आपको ये थोड़ा सा एलाबोरेट भी कर रही हूँ कि जी। पहले तो ये कि मेरी माँ ही बिजनेस कुछ सब कुछ अभी भी सब कुछ है, लेकिन ये कोविड ने ना बहुत कुछ सिखा दिया और इसके जी बाद तो मैं दिन कहे ये मेरी सारी बातें समझ जाते हैं। और अब तो मैं बस ये कहना चाहूंगी मेरे हस्बैंड के सब ही, मतलब मुझे कहने की लगत नहीं है जो मेरे लिए क्या है जी। जी जी मैम, वो एक अच्छा हस्बैंड मेरे ख्याल से माँ बाप जिसका साथ यदि पकड़ा देते हैं, साथ ही अच्छा रहे तो लाइफ द बेस्ट हो जाती है, और साथ ही अच्छा ना रहे तो लाइफ जो कहते हैं कि नरक के समान हो जाती है। तो माँ बाप के बाद मेरे ख्याल से एक लड़की यदि लाइफ में किसी को बहुत पसंद करती है तो हस्बैंड इम्पोर्टेंट हो जाता है, मेरे ख्याल हस्बैंड और बच्चा उनसे बढ़ के हो जाता है, क्योंकि खुद भी वो एक माँ हो जाती है, एक्चुअली खुद ऐसा ही होता है जी भी वो माँ हो जी जाती है, जी तो इसलिए सही उसके बोला, लिए माँ और हस्बैंड जो है उसकी दुनिया हो जाते हैं। माँ बाप तो वो कभी होल लाइफ अपने माँ बाप को कभी नहीं भूल सकती है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जी कि जब एक लड़की जो है उस दुनिया से हटके अपनी जब दुनिया बसाती है, तो मेरे ख्याल से उसमें उसका अपना बच्चा, अपना हस्बैंड, एक परिवार, एक वो चीजें वो इग्नोर नहीं कर सकती है, सबसे ज्यादा जी मैम प्रेफरेंस सही अपने बोला फैमिली आपने को देगी, अपने बच्चे को, अपने हस्बैंड को देगी। जी। जी आपका थर्ड पॉइंट, अभी क्वेश्चन आप है, मैंने तो उसे ना कर दिया था मैम अच्छा वो हाँ मैंने राइट इसे ना राइट कर राइट दिया ना, सॉरी, मेरे ठीक मेरे है ठीक है, था, तो अभी हमारा जी, हाँ माई जी मैंने वो आज क्वेश्चन, हाँ तीसरा टेबल में क्वेश्चन, बहुत लगा, अभी हम हाँ जल्दी से राउंड कर लेते हैं, अब टेबल जी क्लोज करने का टाइम हो चुका है, तो अभी ओके हम ओके एक फीडबैक ले लेते हैं और फिर हम गायत्री मंत्र से टेबल जी को मैम क्लोज कर लेंगे। तो ओके ओके माया मैम। जी आप ही बता दीजिए कि आपको आज आज का सेशन कैसा लगा, आज की लगी मैम बहुत अच्छा लगा, और मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा पहले तो मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी बोलने में, चीजों को समझने करने में, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे मुझे बहुत अच्छा लगा, या मतलब जो भी रहा, अपनी बातों को जैसे वो मैं इजी गोइंग कह पा रही हूँ अपनी बात को, और ये धीरे धीरे करके हिचक दूर होगा, ये चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये लगा कि हाँ मैं भी लोगों के, मतलब बोलना तो ऐसा नहीं है कि मैं बोलती नहीं हूँ, लेकिन ये लगता है ना कि मैं, मतलब कुछ शब्द ऐसे ना हो कि आदमी बोले किसी को बुरा लग जाए, या मैं सच बोल रही, सही बोल रही, गलत बोल रही, ये चीजें थोड़ा सा वो करती हैं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, ये सत्संग में जुड़ के मुझे बहुत ही खुशी हुई। की बस बात है।
चलिए आप भी अपने फीडबैक। हेलो, हाँ मैं माइक बंद करती हूँ मैम। कंप्यूट करके आज का फीडबैक दे दीजिए, आपको कैसा लगा आज? ठीक है, शायद पूजा भी बिजी हो गई है। सिमरन जी आप सुन पा रही हैं तो आप फीडबैक दे पाएंगे अभी? नहीं मैम, बोलिए क्या कह रही थी। पूजा मैं कह रही थी कि आप अपना फीडबैक दे दीजिए, आज आज का आपको काफी मीटिंग कैसा अच्छा रहा लगा। लोग। जी मैम, हाँ मैम, ये तो मैंने सुना। मैं ये कह रही थी कि काफी अच्छा सेशन था। कोशिश करूंगी कल भी मैं ज्वाइन करूँ। सभी को मेरा मित्रम प्रणाम और जी नवरात्रि की ऐसे रोज सबको आया हार्दिक आज। शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो ममता जी एंड पूजा जी, सुमरन जी, आप लोग सब कोशिश कीजिए कि आप रोज जुड़े और आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मालूम पड़ेंगी। सबके थॉट लेवल अलग रहते हैं, आप सबको सुन पाएंगे और सबके विचारों को जब सुनेंगे तो हमारे अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो चलिए ठीक है, और अभी हम जल्दी से इसको एंड करते हैं एक गायत्री मंत्र से। तो आप सब भी अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और हम गायत्री मंत्र से इसको एंड करते हैं। चलिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप लोगों से पहली बार जुड़ के मुझे बहुत अच्छा लगा माया जी। आप पहले आ चुके हैं, मैंने आपका देखा था, बहुत अच्छा लगा था देखकर। थैंक यू मैम। अब पूजा आपके सामने, अब पूजा को मैं पहली बार मिल रही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, और सिमरन जी को तो मैं बात करती रहती थी पर वो अभी आज व्यस्त होंगी इसलिए वो बोल नहीं पा रही जी, मेरे पास समय है। नहीं रहता है ना, मैं ज्वाइन करता समय हूँ। निकालना पड़ता है अपना जी, समय निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है मैम, बात आपकी सही है। कभी आ गए कभी चले गए, कभी आ गए कभी चले गए, ये करना नहीं, जब पड़ता आते हैं तो आते ही तो हैं, असली चले दोस्त। जाते हैं तो चले ही जाते हैं। कोशिश करूंगी कल जुड़ने की, कोशिश ठीक चलिए है, ठीक तुमने है, जुड़ी जाऊंगी। चलिए ठीक है, बाय। शुभ रात्रि, सभी को शुभ रात्रि, प्रणाम। मित्र सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि, नवरात्रि, मित्र प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम है।